निशा का ना फैन लोग तो सब गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप मेरे घर में सब ठीक होंगे। तो बस आधे दिन की शुरुआत कर रही हूँ, तो बस अभी सुनीली शॉप पर गया। अभी हाथ में अभी दर्द हो रहा है, कल भी इन्होंने गर्म पट्टी बांधी है लेकिन ज्यादा दर्द हो ही रहा है अभी। पर धीरे धीरे काम कर रही हूँ। राइट हैंड है ना, तो उससे काम थोड़ा उससे ही राइट हैंड से काम मैं करती हूँ। लेफ्ट से तो मेरे से होता नहीं इस वाले हाथ से, तो सारी हैबिट मेरे को राइट हैंड से ही करने की आदत पड़ी हुई है। तो सो गाइस, आज आपको बताती हूँ कि आज पापा, मैं, सुनील जी सब हम बैट देखने जाएंगे, तो आज फाइनल करके आएंगे। तो गाइस आपको हमें बताइएगा कि आपको बैट कौन सा अच्छा लगा। तो आज एडवांस पकड़ा आएंगे तो 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा बैट। तो फिर आप देखना परी का और हमारा बेडरूम और दादा दादी का भी। तो फिर गाइस बताइएगा कमेंट्स में कैसा आपको लगा। बढ़िया, आज फिर बैट फाइनल होने जा रहा। दादू कमेंट आ रहे हैं, दादू से पैसे क्यों ले रहे हो? दादू से पैसे क्यों मांग? तुम भी तो कमाते हो। तो गाइस दादू से पैसे नहीं ले रहे, अपने पैसे से ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर दादू ले भी देंगे तो क्या होगा? तो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं एक बता रहा हूँ, हमारे तो पापा हैं, क्या होगा अगर हम अपने बच्चों को ले भी देंगे तो क्या होगा? हमारा भी तो कमेंट कर रहे हैं, हमारा सब कुछ बच्चों का ही तो है। जब हमारे देखो, माँ बाप जब तक है तब तक ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। माँ बाप तो ऐसी चीज है, हमेशा सारा बच्चों का। अपने बच्चे हम तो परी को लेके दे रहे हैं, परी के लिए। बस लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आपको हम कुम पैसे मांग रहे हो। कल कह रहा पापा चलना और वहाँ पैसे देना। नहीं, वो परी कहती है मेरा भी बैड आएगा, हमने कहा हाँ ठीक है तेरा भी बैड आएगा। चलो ठीक है, बेचारे रहे मम्मी है। तो गाइस यहाँ पे आए हैं पलंग लेने, एड्रेस आप देख लीजिए, नवादा 1-16 नवादा। देख ले वही पलंग है जो मुझे फाइनल करके गए थे। अब डिजाइन देख, ये समझ आता है तेरे को? ये वाला हैं जो नीचे था ना, पापा को दिखाया। हाँ वो बढ़िया लगा। चल नीचे वाला भी देखते हैं एक बार। एक ये डिजाइन देख ले, ये नया डिजाइन है, बर्फी डिजाइन। कलर तो कोई भी रख जाएगा, डिजाइन देख बस। ये परी के बेडरूम में लगवा दो। हाँ लग जाएगा। ये ठीक है, ये देख डिजाइन, ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं यही सही है पापा बताओ। हैं मेरे को तो ये फाइनल हो गया बेड में, 6x5 का पलंग है। दोनों एक जैसे ले लें, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए। कपड़ा बदलवा लो, कल वो बना देगा। ऐसा कलर वो कैटलॉग देख लेते। हाँ लिया फाइल, लिया कलर कैटलॉग देख लेते हैं, आप जो कलर पसंद हो वही कर लेते हैं। हेलो 6x5 के सेम दो डिजाइन बनवा। फाइनल हो गया प्लान, आ गए पसंद। पी लो भाई, गर्मी में चल गया भाई। निशा मुझे ना जब तक गर्मी है ना प्लीज बाहर जाने के लिए मत बोल, इतनी गर्मी है भाई। इतनी लू, बंदे को लू लग जाए कुछ हो जाए। सर 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अपनी दुकान सही है भाई, में जाना पड़ा गया, हम वैसे जाते हैं क्या? अपनी दुकान सही है, बाहर जाना तो पाप है। इस आज शिकंजी में टेस्ट में अलग दिखेगा, पी के देखो। क्यों, क्या डाला है? पी के तो देखो, आज मीठी थोड़ी सी है, वैसे थोड़ी कम मीठी होती रही। क्यों आज क्या किया था बताओ, डिफरेंस बताओ। मुझे क्या बताओ, मीठे लगे तुझे बताओ। तो मैं आपको डिफरेंस ये बता रही हूँ सुनील जी, इसमें मैंने आज डाली है शुगर, और वो पहले डालती थी भूरा। अच्छा पहले भूरा डालती थी चीनी पर, सेम चीज़ होती है दोनों? टेस्ट में फ़र्क आता है, वो थोड़ी ब्लैकिश में होती है, ये थोड़ी व्हाइटिश में होती है। टेस्ट में नहीं, ये टेस्ट बढ़िया चीनी में बनाया। चीनी में बनाई आज, पेट थोड़ा खराब सा हो रहा था सुनील जी का भी और मेरा भी, तो आज खिचड़ी बनाई है लाइटली, शाम में दही के साथ खाएंगे। तो आइएगा साहब भी, हिंग जीरा वाली तक तड़के वाली खिचड़ी खाइए आप भी, यम्मी यम्मी बनी। अरे अरे क्या लेने जा रहे हो आप? खिलौना लेने। खिलौना लेने? तो एक बार हेलो गाइस बोल दो। बात सुनो, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, एक बार हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस बोल दो एक बार। परी परी हाँ। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, ठीक हो? मम्मी बिल्ली। हाँ बिल्ली। अच्छा दादी को बता दे क्या लेने जा रही है, बता दे। ले ले। क्या लेने जा रही है? चकला मिलना? कैसे रोटी बनाएगी? ओ
किसको खिलाएगी? मम्मी को और दादी को और हाँ? और किसको खिलाएगी रोटी? चाची को। चाची को और दादी को हाँ? खिलाएगी। वाह भाई, परी रोटी खिलाएगी और दादी की तो किस्मत चमक जाएगी, परी रोटी खिलाएगी। वाह भाई वाह, परी भी पढ़ेगी नहीं? पढ़ेगी नहीं ना, मुझे ना पढ़ाई करनी है, रोटी नहीं बनानी, पढ़ाई रोटी मम्मी बना देगी। मम्मी मैं बनाऊंगा। अच्छा आप बनाओगे? अच्छा चकला बेलने की रोटी कैसे बनाती है तो बता दे एक बार। तो गाइस देखो चकला बेलने की रोटी तैयार हो गई है। चले चल दादी को बाय कर दे। बाय। टॉर्च लिए, टॉर्च ये लेना, ब्लू वाला कलर ले लो, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लो, ये ले लो, ये वो लेना येलो वाला, ब्लू वाला। सो गाइस देखो टॉर्च इसको पसंद आई है तो कह रही ये लेना है, खिलौना खिलौना कर रही है, तो इसको ये अब ये ले रही है टॉर्च, ये लेना है फाइनल। हैप्पी, चलो बाय कर दो। बाय बाय टॉर्च। हेलो। तो ये गाइस तरनदीप जी आए हैं मुंबई से, अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, तो परी के लिए लाए हैं डॉक्टर सेट। तरनदीप जी आप ये क्यों तकलीफ करते हो? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है और इसको तो पसंद है ना, डॉक्टर डॉक्टर बड़ा खेलती है, दादी को दवाई खिलाती है, तो अभी इसे ये सब इसे यूज करना और ठीक है, और दादी को फिट रखना। पूजा ठीक है, आ जा 2 मिनट। नहीं कोई बात नहीं, उनको काम करने दो। अरे नहीं कोई बात नहीं, और सब ठीक है भैया? बस ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपने ऊपर इनवाइट किया, मैं तो बाहर बाहर से जा रहा था। ऐसे क्यों तोड़ रहा है, आप भी दूर से आए हो, चल के आए हो तो कुछ तो लेके जाओ, पी के जाओ, ऐसे गर्मी में। नहीं दिया ना आपने कोल्ड ड्रिंक, दी है बस, वो काफी है। चाय बना देती हूँ। चाय नहीं, बस ठीक है, बस पानी भी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं चलूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और पूजा दीदी और मम्मी भैया को भी कहना। परी परी बोलो तरनदीप थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, तो आपने डॉक्टर सेट बहुत अच्छा दिया। अपने डॉक्टर बहुत अच्छा दिया। और मैं खेल रही हूँ बहुत खुश होके। बॉल क्यों फेंक रही है बेटा? परी परी परी। तो तरनदीप जी देखिए आपके डॉक्टर सेट का क्या हाल कर रखे है, और खेल रही और आपको थैंक यू बोल रही है। परी भैया बोल दो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय भैया। बाय भैया, लव यू। बाय भैया, लव यू भैया। तरनदीप जी आपको देखो कैसे विश कर रही है। दादी मतलब आप नहीं सुनोगे हमारी बात। अरे मैं तो, अरे ये शुक्र कर मैंने इसको बचाया। जब बिल्ली का मुंह देखो, सुनो बिल्ली का, कोई ऐसे करेगा, कोई दुष्ट पापी भी होगा वो भी फटाफट दे देगा, ले बेटे मुंह मत खोला। वैसा फिर आप ही लेके जाना डॉक्टर, मुझे मत बोलना। काले काले, तेरी मम्मी बातें सुना रही है, काले काले खत्म कर, फटाफट मुंह धुलवा ले, पका ले। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। परी सो गया? सुलाओ, चलो भाई परी को चलाओ। आज परी का बेड भी आ गया, अब परी का बेड भी फाइनल हो गया। क्यों परी? मम्मी को सुलाएगी उस बेड पे। मम्मी को सुलाएगी उस बेड पे? सुलाएगी। हम सब आपके बेड पे सोएंगे अब। हाँ अब से हम रोज आपके बेड पे सोएंगे। ठीक है ठीक है। तो गाइस आज बेड ले आए हैं परी के लिए, परी के रूम के लिए। तो हम भी अपना ये जो बेड है हमारा, ये वाला ये जो बेड है, ये भी हमने इसकी भी बैक चेंज करवा रहे हैं, इसको पूरा नया करवा रहे हैं, इसको भी, ये भी हमने 4-5-6 साल पहले ही लिया था, तो इसको भी चेंज करवा रहे हैं। तो अब पलंग आएगा तो हम सोच रहे हैं इसी रूम में बिछवा दें और इसको रेनोवेट किया रहा हूँ, इसको ठीक करने के लिए दे दें, इसका सारा कुशनिंग वगैरह सब चेंज करवा के, पॉलिश वगैरह करा के इसको फिर जाएगा ये फैक्ट्री में और पूरा तैयार होकर आएगा, फिर ये परी के रूम में लगा देंगे। क्यों निशा, सही है? वो जो नया बेड आ रहा है उसको हम यहाँ लगा देते हैं और ये परी के रूम में लगा देते हैं, इसको पॉलिश वगैरह करा के ना सारा ओके करा, ये भी न्यू बन जाएगा, ये भी न्यू बन जाएगा, इसको भी नया डिजाइन बनवा के नया सब कुछ करके बनवा देते हैं, इसको वही वाला डिजाइन बनवा लेते हैं जो डिजाइन पसंद किया था। आज आप बताओ, हाँ बताओ, आज सारे आप पे कमेंट्स आते हैं क्यों?
भाई मीशा की बहुत केयरिंग करते हो हाथ की, लेकिन गाइस बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। तो गाइस अभी भी फर्क नहीं है वैसे इसके हाथ में, मैंने कल पट्टी भी बांधी थी, फर्क नहीं है, स्वेलिंग नहीं जा रही ना मेरी, स्वेलिंग है। तो मैं तो आज इसे कह रहा था डॉक्टर पर लेके चलता हूँ, पर कह रही नहीं एक दिन देख लो क्या पता ठीक हो जाए। भाई क्या पता ठीक हो जाए। तो पट्टी बांधू अभी दोबारा? बांध लेती हूँ मैं, चल बांध देता हूँ पट्टी। अरे मम्मी डॉक्टर पर ले चलूं? हैं क्या कह रहे हो बड़ी? डॉक्टर के पास से भेजो। हाँ भेजो भेजो मम्मी को। तो गाइस आज हमारा बेड का काम हो गया, अब परी का रूम तैयार करवाऊंगा सारा, देखना एसी वेसी लगा के दिखाऊंगा आपको पूरा तैयार करा के, उसका उसकी अलमारी भी बनवानी है, इसका एसी भी लगवाना है, पूरा रूम आलीशान बनाना, पूरा रूम इसके बेड बेड सब बढ़िया बचा के, इसके गुड्डे गुड्डियाँ जितने बड़े हैं एसी भी लगवा रहे हैं, गुड्डे गुड्डियाँ लगवा के ना इसके गुड्डे गुड्डे सबको लगाएंगे, इसका रूम बढ़िया फर्स्ट बनाएंगे, लग जाएंगे मतलब महीना एक लग जाएगा इसका रूम तैयार करने में, लेकिन आप देखिए रूम बहुत प्यारा बन जाएगा। मैं तो वहीं सोऊंगी। तो गाइस आज तो पलंग का काम हो गया, अब कल निशा को शॉपिंग करवानी है और 100% जाऊँगा सुबह शॉपिंग कराने, ठीक है निशा? हैं फिर मैं अपनी शॉपिंग करूँगा और फिर ये हमारी टिड्डो भी शॉपिंग करेंगे, फिर हम जाएंगे घूमने के लिए ट्रिप पे। मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू भैया एंड भाभी एंड परी की तरफ से, तो कल आपको विश करेंगे, ब्लॉग में भी दिखाएंगे, तो विश पहले कर रहे हैं ब्लॉग में बोल रहे हैं, तो कल रियल में भी करेंगे, अभी ब्लॉग में भी कर रहे हैं। अब तो हैप्पी बर्थडे मन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोल दे चाचू हैप्पी बर्थडे, बोल दे चाचू हैप्पी बर्थडे, बाय। आज किसका बर्थडे है? नहीं चाचू का बर्थडे है, किसका बर्थडे है? नहीं चाचू का, बोलो चाचू हैप्पी बर्थडे, चाचू चाचू जी जी लव यू लव यू। और चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट खाओगे क्या? सुबह आपको खिलाऊंगी चॉकलेट, सुबह आपको चॉकलेट खिलाऊंगी। मन्नू सुन रहे हो? तो ठीक है इसी आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए नए ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे व्यूज दीजिए। तो अब मीशा का अपना फैन ब्लॉग के जो ब्लॉग अब आपको इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे से बनने को देखने को मिलेंगे, तो आप बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे क्या क्या दिखाएगी मीशा। तो बस आप देखो कल से बहुत बढ़िया बढ़िया फनी फनी आपको ब्लॉग दिखाएंगे। हाँ सुनील जी कल शॉपिंग का, निशा का, परसों सुनील जी का, तरसो परी का, फिर हम दिल्ली को बाय बाय करके चले जाएंगे घूमने ट्रिप पे। ओके बाय बाय।